जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपकी अपनी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जोमन तरफ। दोस्तों अगर चैनल पे आप पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप ही का अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम आंगनवाड़ी आशा बहनों सहायिका सहयोगिनी जो बहने हैं उन सब के लिए जो हजार जिस राज्य में मानदेय की बढ़ोतरी होती है, जो मुख्य मुख्य खबरें होती है या फिर केंद्र के समय में बदलाव होता है या केंद्र के लिए कोई भी आदेश जारी होता है, चाहे वह छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर बहनों का मानदेय बढ़ाया गया है किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार द्वारा, तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर हो जाते हैं। तो आज होगी 16 सितंबर 2019, मानदेय को लेकर बंपर बढ़ोतरी, आंगनवाड़ी केंद्र बनाएंगे, नर्सरी स्कूल और आपका रुका हुआ मानदेय से संबंधित मेरे को बहुत ज़्यादा कमेंट रिसीव होते हैं, उनसे संबंधित हम जानकारी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आपको बहनों से संबंधित लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, हाँ आंगनबाड़ी आशा बहनों और सहयोगिनी जो मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, सबसे संबंधित हम खबर यहाँ पर आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाते हैं। तो देखते हैं आज की क्या है मुख्य मुख्य खबरें। बिहार के आंगनवाड़ी केंद्रों में 124 पदों पर भर्तियां 19 सितंबर तक करेंगे आवेदन। अगर आप बिहार से हो तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, बिहार के अररिया जिले में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के 124 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए ओनली महिलाएं आवेदन कर सकती है, जो अंतिम तिथि रहेगी आपकी 19 रहेगी और सेविका के 36 पद रहेंगे, आंगनवाड़ी सहायिका के 88 पद आपके रहने वाले हैं। तो आपको बता देते हूँ, अररिया में कुल 6 पद रहेंगे और सहायिका के पद 6 रहेंगे और जेके हार्ट कुल पद 8 रहेंगे और आंगनवाड़ी सेविका पद 101 रहेगा और आंगनवाड़ी सहायिका पद आपके साथ रहने वाले हैं। पलासी पद रहेंगे एक, आंगनवाड़ी सेविका का उसमें है पद 1 और सिक्टी में कुल 14 पद है, उसमें सेविका के 5 और सहायिका के 9 और कुर्सा काटा पद में 6, टोटल 6 है और आंगनवाड़ी सेविका के पद आपके 2 रहेंगे और आंगनवाड़ी सहायिका के 4 पद रहने वाले हैं। रानीगंज में 47 है, नरपतगंज में 25 है और आपका भरगामा में 17 पद है। योग्यता पद के अनुसार मैं बता देता हूँ आपको, मैट्रिक के समक्ष परीक्षा आप सेविका हो तो सेविका के लिए अप्लाई करना चाह रही हो तो मैट्रिक आप पास होनी चाहिए और सहायिका के लिए आरटी पास ही चाहिए। आपकी उम्र 18 से 40 के बीच में होनी चाहिए और आंगनवाड़ी सेविका सहायिका के अभ्यर्थी को मैपिंग पंजीकरण के अनुरोध संबंधित वार्ड का निवासी मतदाता होना भी जरूरी है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आयदा के पति ससुर का नाम संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए। चयन प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ, चयन के लिए संबंधित वार्ड के केंद्र तहत सार्वजनिक स्थल पर आम सभा का आयोजन होगा। आम सभा से संबंधित परीक्षा का मूल प्रमाण पत्र की जांच कर सबसे अधिक अंक वाले उम्मीदवार को चयन पत्र चयन स्थल पर ही दे दिया जाएगा। सहायिका के चयन में विधवा अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी और बाहुल्य वर्ग की विधवा अभ्यर्थी के नहीं रहने पर क्रमानुसार अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग के विधवा उम्मीदवार को भी प्रायता दी जाएगी। और आपका अयोग्यता सरकारी गैर सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति जिसकी मासिक आय 12,000 रुपये से ज़्यादा है तथा प्रतिनिधि जन वितरण प्रणाली की विक्रेता के पति बहु सेविका सहायिका के पद पर अगर चयनित है तो अयोग्य मानी जाएंगी। इन पदों के लिए कोई शुल्क नहीं देना है। आप वेबसाइट में बता देता हूँ, aria.nic.in पर आप लॉगिन करके सारी डिटेल भी देख सकते हो। तो आप जैसे कि पता है हमारा चैनल भी बहनों के जो मानदेय से संबंधित बढ़ोतरी से मांग उठाता रहा है और बहनें भी जगह जगह ये मांग उठाती रही है। तो देख सकते हो आप बहनें जेल वरो सेविका सहायिका झारखंड से खबर आ रही है, मांगों को ले आंगनबाड़ी कर्मियों को जेल भरो अभियान। गोंडा, 11 सूत्री मांगों को लेकर जिले में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका में पोषण सखी संघ की ओर से शनिवार को जेल भरो अभियान चलाया गया। इस दौरान मेला मैदान में संघ से जुड़ी 190 महिला कर्मियों ने अपनी गिरफ्तारी दी और बाद में नगर पुलिस ने सभी पीआर वैन पर छोड़ दिया। संघ की जिला महामंत्री पूजा कुमारी ने बताया कि बीते 29 नवंबर को लिखित समझौता हुआ था लेकिन एक साल बीतने के बाद भी विभाग द्वारा समझौता को लागू नहीं किया गया, जिससे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का पोषण सखी के असंतोष व्याप्त है। बताया कि उन लोगों को अकुशल कर्मियों में भी कम मानदेय दिया जाता है और जबकि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी सभी प्रशिक्षित है। बताया कि सेविका को 6900 रुपये, सहायिका को 3000 रुपये और पोषण सखी को
3,000 रुपये मानदेय झारखंड सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मौके पर जिलाध्यक्ष गौरी मिश्र, जिला महामंत्री पूजा कुमारी, प्रदेश संयोजक गोपाल प्रसाद यादव सहित आंगनबाड़ी सेविका सहायिका पोषण सखी उपस्थित भी थी। आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर ने प्रदर्शन कर जताया रोष। तो आप देख सकते हो जागरण संवाददाता जिंद की खबर, आंगनबाड़ी वर्कर में हेल्पर यूनियन ने सरकार को वायदा खिलाफ के विरोध में धरना दिया और उसके बाद प्रदर्शन कर लघु सचिवालय पहुंचे। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कहा कि मुख्यमंत्री ने 11 सितंबर को जो घोषणा की थी वह मात्र एक जुमला है और 10 मार्च 2018 को आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर यूनियन हरियाणा के साथ जो समझौता किया था उसकी अनदेखी भी की गई है। जिला कमेटी के बैनर के तले जिला अध्यक्ष भूला देवी की अध्यक्षता में ग्रीन बेल्ट की में स्कीम वर्कर ने धरना दिया। आंगनबाड़ी केंद्रों पर माताएं खिलाएगी बच्चों को खाना, सोमवार से तृतीय सप्ताह की शुरुआत की जाएगी और जिले के बाल जिसे बाल सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा और ममता दिवस के मौके पर माताओं को जागरूक करते हुए आंगनबाड़ी वर्कर व सामूहिक भोज पर आयोजन कराया जाएगा और बच्चों को चिकित्सकीय देखभाल के बारे में माताओं को जागरूक किया जाएगा। कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को केंद्रों पर बुलाकर उन्हें वर्दी चार्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों से शुरू होगा पल्स पोलियो अभियान। जो पल्स पोलियो अभियान है उसके तहत बहनों ने जो पोलियो के केसेस हैं वो जीरो कर दिए गए हैं इंडिया के अंदर। तो ये बहनों का ही मतलब एक मेहनत है वो जो रंग लाई है। किशनगंज बहादुरगंज शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र में 5 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर सुहेल अहमद खान के बच्चे को पल्स पोलियो की 2 बूंदे पिलाकर अभियान की शुरुआत की। शहर के क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 134 वसाक टोला में अभियान की शुरुआत करते हुए प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर खान ने कहा कि पोलियो की खुराक से एक भी बच्चा नहीं छोड़ना चाहिए। केंद्र पर उपस्थित महिलाओं से अपने 5 वर्ष तक के बच्चों को निश्चित रूप से दवा पिलाने का आह्वान किया गया। उन्होंने बताया कि पल्स पोलियो अभियान 15 से 19 सितम्बर तक चलेगा। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, स्वास्थ्य उप केंद्रों, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों, चिन्हित चौक चौराहों पर पोलियो कर्मी को दवा के लिए तैनाती भी की गई। इसके अलावा पोलियो कर्मी डोर टू डोर 5 दिनों तक अभियान के तहत दवा फैलाने के कार्य को पूरा कर रहे हैं और पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत के दौरान स्वास्थ्य प्रबंधक अजय कुमार सहाय, VCM जयंत कुमार, आशा फैसिलिटेटर ब्यूटी दास, केंद्र की सेविका नारायणी वसाक, सहायिका रेणु वसाक सहित अन्य महिलाएं भी मौजूद थी। प्रशिक्षण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि कम वजन के बच्चों को अस्पताल में कराएं भर्ती। महिला एवं बाल विकास विभाग की विभाग कार्यालय में प्रशिक्षक नदीर खान ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया जिससे उन्होंने बताया कि पोषण माह अभियान चलाया जा रहा है जिससे कुपोषण को मिटाने के लिए उनकी पहचान करने में लोगों को जागरूक करने का है। प्रशिक्षक नदीर खान ने बताया कि बच्चों को कुपोषण की पहचान कैसे करें, सामान्य बच्चों में क्या खासियत होती है, बच्चों में कुपोषण के लक्षण, दुबला, कम वजन, ठीकनापन कैसे होता है आदि की जानकारी भी दी गई। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बताया कि सभी बच्चों का वजन माह में एक बार, लंबाई 3 माह में जो बच्चे लाल श्रेणी में आए हैं उन्हें नज़दीकी अस्पताल या NRC में रेफर करें। जो बच्चे बीमार हैं जिनका वजन कम है उनको भी अस्पताल में भर्ती कराएं। बच्चों में दुबलापन की पहचान कराने के लिए नियमित रूप से वर्दी कराएं और साथ ही पोषण आहार के बारे में बताएं कि 6 माह तक का माँ का दूध, उसके बाद बच्चों के ऊपरी आहार आदि, 5 के बाद शिशु के घर भेंट कर उन्हें खान पान, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ले आदि के संबंध में 1 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान बेगमगंज सुल्तानगंज सेक्टर के दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी मौजूद थी। कार्यक्रम आंगनबाड़ी में हुई गोद भराई की रस्म। नगर पंचायत कुरुद के वार्ड क्रमांक 3 के आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। इसमें कई बहनें शामिल हुई। नगर पंचायत कुरुद में वार्ड संख्या 3 के आंगनबाड़ी केंद्र में गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। इसमें सम्मिलित महिलाओं ने टीका लगवाकर वे आरती उतार कर श्रीफल देकर गोद भराई की रस्म का की गई और अवसर पर नगर पंचायत कुरुद के पार्षद भी मौजूद थे। पोषण के प्रति आंगनबाड़ी वर्कर महिलाएं करेंगी जागरूक। देख सकते हो पोषण के संबंधित महिलाएं जो आंगनबाड़ी बहनें हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, वो जागरूक भी करेगी। तो आपने देखा ये थी आज की मुख्य मुख्य खबरें। हमने आपको सारी खबरें बताई जो जो लेटेस्ट अपडेट था हमने बताया। मानदेय से संबंधित जो रुका हुआ मानदेय है कई जगह आया है, UP के अंदर आपका मानदेय आया है,
तो आप अपना अकाउंट चेक कर लीजिए, कमेंट करके बताइए कि कितना मानदेय आपका आया है और किस राज्य में अभी तक रुका हुआ मानदेय नहीं आया है, मेरे कमेंट करके बताइए कि जिससे माध्यम से हम आपको बता सके और भी बहने जान सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।